तो क्वेश्चन है, कहता है कि एक व्यक्ति को नदी में धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर नाव चलाने में 3 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर नाव चलाने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो धारा की गति क्या है? ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको नाव और धारा का तो क्वेश्चन समझ में आता ही नहीं है, बट आप बेसिक से देखो, बेसिक से आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको बेसिक मालूम है तो नाव और धारा का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। अगर ये दोनों याद रहा तो नाव और धारा का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। सबसे पहला कि आप यहाँ पर नाव का जो चाल है एक्स किलोमीटर पर आवर माने, ठीक है, फिर यहाँ पर धारा का जो चाल है वाई किलोमीटर पर आवर आपको मानना है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। सेकंड, यहाँ पर अगर आपको कहे कि धारा के अनुकूल जाना है तो धारा के अनुकूल क्या होता है, हमारा चाल आपस में प्लस हो जाता है, नाव का चाल प्लस धारा का चाल आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको कहे प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में नाव का चाल और धारा का चाल आपस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट अगर आप याद रखते हैं तो नाव और धारा का किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर नाव चलाने में कितना समय लगता है, 3 घंटा 45 मिनट लगता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल कह रहा है, तो एक्स प्लस वाई बराबर, तो देखिए 15 किलोमीटर जा रहा है और कितने समय में जा रहा है, 3 घंटे 45 मिनट में जा रहा है। तो देखिए यहाँ ये जो 45 है इसे भी हम क्या करेंगे, घंटा में चेंज करेंगे, तो 3 तो हमारा है ही ऑलरेडी यहाँ पर, तो 45 को हम 60 से डिवाइड देते हैं, तो 15 तिया 45, अब 15 चौके 60, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये 3 है और इसमें हम प्लस करते हैं 3/4, तो 4 तिया के 12 और 3 15, 15/4 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर रख देते हैं 15/4। अब देखिए ये जो 4 है, हम 4 नीचे न रख के हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, तो ये 15 15 आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर आपका मान कितना निकल गया, 4 किलोमीटर बराबर हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, कहता है कि धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर नाव चलाने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, तो देखिए धारा धारा के क्या कह रहा है, प्रतिकूल, तो x माइनस वाई बराबर कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, और समय कितना लगता है, 2 घंटा 30 मिनट लगता है, यानी कितना, 2.5 घंटा लगता है। 2.5 घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं, तो 5/2, 2 जो है नीचे ना लिख के हम क्या करेंगे, इसे हम ऊपर लिखेंगे, तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या बच गया, x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो समीकरण यहाँ पर हमारा बन गया। तो चलिए ये जो x प्लस वाई बराबर 4 है यहाँ पर हम रख देते हैं x प्लस वाई बराबर 4, और यहाँ पर देखिए हमसे पूछा जा रहा था क्या, धारा का चाल पूछा जा रहा था, ठीक है। तो धारा का चाल जब यहाँ पर पूछा जाएगा तो धारा का चाल हमने माना है क्या, बाई माना है, तो हम यहाँ पर एक्स को कैंसिल कर देते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबका साइन हम चेंज करेंगे, तो ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, और ये आपका प्लस में है तो ये हो जाएगा आपका माइनस में। अब देखिए प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, और वाई मिलकर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और 2y बराबर यहाँ पर देखिए 4 में से 2 जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि y बराबर कितना बच गया, 1 किलोमीटर बराबर हो गया। तो यहाँ पर धारा का चाल कितना निकल गया, 1 किलोमीटर बराबर। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इतना लंबा चौड़ा आपने क्यों समझाया, यहाँ समझाने का मेरा रीज़न एक ही था, कारण था कि आप लोग अच्छे से पहले बेसिक समझ जाएँ, ताकि आप खुद से यहाँ पर शॉर्ट बना सकते हैं। शॉर्ट यहाँ पर आप कैसे बनाते हैं, तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये हम नहीं लिखते, दूसरा हम जो यहाँ पर प्रतिकूल अनुकूल लिखे हैं ये भी हम यहाँ पर नहीं लिखते, और यहाँ पर जो हमने आपको समझाया है मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए ये भी हम यहाँ पर नहीं लिखते थे, यानी कि 4-5 स्टेप हमको यहाँ पर नहीं लिखना होता, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी ने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ लिया होगा, अगर समझ में आ गया हो तो सबसे पहले तो आप एक लाइक कीजिए, और दूसरा आपको कमेंट करना है कि सर समझ में आ गया।